वेक्टर्स के अंदर अभी तक जो चीज़ें बताई हैं उसके अंदर अगर आपको जो दो वेक्टर हैं ए बार और बी बार, इनकी वैल्यूज़ इस तरीके से दी हों, जैसे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, सिमिलरली बी वेक्टर, तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, उसका फॉर्मूला ये होता है। बट अगर आपको ऐसे वैल्यू दी हों तो आपको वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी ए डॉट बी। इनके अंदर क्या होता है कि जो सिमिलर होते हैं यानी आई कैप यानी एक्स के कंपोनेंट जो होंगे वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस जो वाई के कंपोनेंट होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस जो जेड वाले कंपोनेंट, जेड एक्सिस वाले कंपोनेंट होंगे वो आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, और ये तीनों चीज़ें ऐड अप हो जाती है, जैसे कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। एक चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई भी आपकी डायरेक्शन नहीं आई है, ठीक है? तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा, लेट अस सपोज कि आर आया, ये एक स्केलर वैल्यू आएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो इसके अंदर वैल्यू आती है वो एक स्केलर वैल्यू आती है, इट इज नॉट अ वेक्टर वैल्यू। सिमिलरली अगर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करना हो और आपको ये वैल्यूज दी हो तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी का? इसके अंदर आपको एक डिटर्मिनेंट बनाना होता है, डिटर्मिनेंट के अंदर आई कैप जे कैप और के कैप और इनके कोफिशेंट्स ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। अब आप क्या करते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ें छुपा देते हैं आई के नीचे वाले, और क्या करते हैं आई कैप इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जैसे इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ आई कैप इंटू ए वाई बी जेड, अब माइनस ऑफ ये दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए जेड बी वाई, तो ये आया। अब जे कैप के ऊपर आएंगे, जो यहाँ पे टर्म होती है, जैसे जो भी ऑल्टरनेट टर्म आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से पॉजिटिव से चालू करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आएगी फिर पॉजिटिव, यानी जब भी आप जे वाली कोफिशेंट लिखेंगे तो उसके साथ एक नेगेटिव जरूर जुड़ेगा, यानी ये आपकी टर्म आई, फिर उसके बाद आएगा माइनस जे कैप, और आप इसके नीचे वाली छुपा लेंगे तो आएगी ए एक्स इंटू बी जेड, ओके माइनस ऑफ ए जेड इंटू बी एक्स, तो ये आपकी टर्म आई। फिर आप यहाँ पर आएंगे वापस के पर, के कैप पर, यहाँ पर ये वाली टर्म छुपा लेंगे, यहाँ पे प्लस के लिखेंगे के कैप, और आएगी ए एक्स बी वाई माइनस ऑफ बी एक्स इंटू ए वाई, तो ये आपका नेट रिजल्टेंट आता है। अगर आप देखें तो ये नेट रिजल्टेंट जो आया ये एक वेक्टर फॉर्म में आया, जिसकी जो कोफिशेंट्स हैं उनकी जो ये है ये आई कैप से मल्टीप्लाइड है, जे कैप और के कैप, यानी तीनों डायरेक्शन में है, ठीक है, जो आपका रिजल्टेंट आएगा और वो एक वेक्टर फॉर्म होगा। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसके अंदर क्या है कि एक पार्टिकल अगर जा रहा है तो उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लग रही है, एफ इज इक्वल्स टू के वी, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमको गिवन है वी नॉट। अब आपको वेलोसिटी गिवन है और रेजिस्टिव फोर्स गिवन है, यानी अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, विच इज़ एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है? ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो ये फॉर्मूला आपको आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप ये देख लीजिए, आप वैसे तो न्यूटन जो नेक्स्ट चैप्टर आपका लॉज ऑफ मोशन, आप उसमें फॉर्मूला काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये फॉर्मूला आता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए। अब हमको पता है क्योंकि ये रेजिस्टिव फोर्स है तो एफ जो है हमारी नेगेटिव है, यानी रेजिस्टिव का मतलब एक्सेलरेशन जो आपकी आएगी दिस विल बी नेगेटिव, ठीक है? एफ इज इक्वल्स टू एम ए, और इसको अगर हम माइनस के वी पुट कर दें तो एक्सेलरेशन की आपकी वैल्यू आ गई इज इक्वल्स टू माइनस के वी बाय एम। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि हमने जो माना वेलोसिटी वाली अगर हमारी ये डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव है, यानी अभी जो हमारा पार्टिकल है इस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और दिस इज पॉजिटिव, इसी डायरेक्शन में यू है। अब रेजिस्टिव फोर्स का मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो है इस मोशन को रेजिस्ट कर रही है, रेजिस्ट कर रही है मतलब इसको रोकने की कोशिश कर रही है, तो एक तरह से एक्सेलरेशन हम कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में लग रही है, तो एक्सेलरेशन जो है हमारी नेगेटिव है, तो इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने लिख दी माइनस के वी बाय एम। अब आपको फॉर्मूला पता है ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी वाला, तो आप डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के वी बाई एम करेंगे, और फिर क्या करते हैं डी टी को इधर ले जाएंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, और वी के वाले वी वाली जो टर्म्स होती हैं वो वी के साथ आ जाती है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट कैसे करते हैं, यहाँ पर नीचे वाला जो इंटीग्रेशन के साइन में जो नीचे वाला पोर्शन होता है यहाँ पर इनिशियल वैल्यू डालते हैं और ऊपर फाइनल वैल्यू डालते हैं। नीचे इनिशियल वैल्यू क्या थी, जैसे क्योंकि डी वी को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू कितनी थी वी नॉट, और फाइनली किसी टाइम टी पर हमारी वेलोसिटी की वैल्यू वी हो गई, ठीक
ठीक है, और dt को जब इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल टाइम कितना था, जीरो, यानी टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो से मोशन स्टार्ट हो रहा था और किसी टाइम t तक ये जाकर रुकता है। तो आपको पता होगा इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है, यानी dv बाय v को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है log v बाय log v आता है, ठीक है, और इसके अंदर हम वैल्यूज डालते हैं। अगर मेरा ये फॉर्मूला आया log v, ठीक है, एंड दिस इज नेगेटिव, या नेगेटिव इसको छोड़ दिए, नेगेटिव हम उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, इसकी वैल्यूज क्या डालेंगे, इनिशियल वैल्यू कितनी है v नॉट, और यहाँ पे है v, ठीक है, और यहाँ पर माइनस k t माइनस जीरो है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होती है उसके अंदर जब वैल्यूज डालते हैं तो यही करते हैं, पहले हम फाइनल वाली वैल्यू डालते हैं, यानी इससे क्या आएगा, इससे आएगा आपका log v, और फिर करते हैं माइनस, फिर डालते हैं इनिशियल वाली वैल्यू यहाँ पर, तो ये आया log v नॉट। तो आपका ये फॉर्मूला क्या बना, log v बाय v नॉट, ठीक है, तो ये आपने वैल्यू डाली, यहाँ पर आया आपका log v बाय v नॉट, ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस के टी बाय m। तो इससे क्या पता चला, ये log, ये जो v है ये किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी है, तो अगर आप log को उधर ट्रांसफर करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर हो जाता है e रेस टू पावर माइनस के टी बाय m, ठीक है, और v बाय v नॉट था इधर, तो v नॉट को उधर ले गए, तो vt की अब वैल्यू, vt क्या है, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ये जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है t, इसलिए लिखा है क्योंकि दिस वेलोसिटी शोज कि ये वेलोसिटी जो है किसी भी एक टाइम t पर है, दिस इज इक्वल्स टू v नॉट e रेस टू पावर माइनस के टी बाय m, ठीक है। ये आपको इनिशियली थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट इट्स वेरी सिंपल, जैसे जैसे आप करेंगे आपको ये चीज़ें काफ़ी आसान लगती रहेंगी, ठीक है, सो डोंट वरी, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी बाय एम, ठीक है, और क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है, अब आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई, आपको फाइंड आउट क्या करना था, एक्सप्रेशन फॉर पोजिशन एंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो ये तो आपको पता चल गया वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, यानी टाइम टी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है। अब आपको निकालना है कि पोजिशन टाइम टी के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होती है, तो आप वी टी की वैल्यू जो है ये क्या होती है, dx बाई dt, ये आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, तो आप इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, dt को उधर ले जाएंगे, dx की यहाँ पर कोई टर्म नहीं है, तो dx यहाँ पर इंटीग्रेट होगा, इनिशियली कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हुआ था इसने, जीरो, फाइनली x तक पहुँच जाता है ये, ठीक है, और इनिशियल टाइम जीरो से t तक, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है e रेस टू आर माइनस के टी बाय m इंटू dt, यानी k बाय m तो कांस्टेंट है हमारा कोई भी, तो c इंटू टी है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है यही होता है बट डिवाइडेड बाय जो कांस्टेंट होता है, यानी माइनस k बाय m, ये हमारा कांस्टेंट था जो t के साथ था, तो इसको इससे हम डिवाइड करते हैं, ये हमारा इंटीग्रेशन आता है इस टर्म का, तो जो आया x, यहाँ पर x माइनस जीरो होना चाहिए था, तो जीरो हटा दिया, x इज इक्वल्स टू वी नॉट, ठीक है, क्योंकि वी नॉट कांस्टेंट है इसलिए वी नॉट को बाहर ला सकते हैं, वी नॉट क्योंकि टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, हमको वैल्यू दी हुई है, तो आपका वी नॉट बाहर आ गया, ये इंटीग्रेशन हुआ फ्रॉम जीरो टू टाइम टी। ई रेस टू पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, ठीक है, और ये वैल्यू क्या आएगी, फाइनली आपकी वैल्यू आएगी एम वी नॉट बाई के, ये वाली टर्म क्योंकि कॉन्स्टेंट है ये भी बाहर आ जाएगी, ठीक है, तो एम जो है डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाएगा, एम वी नॉट बाई के, यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वैल्यूज डाली, और यहाँ पर नीचे एक नेगेटिव साइन भी है, तो जो इनिशियल वैल्यू है ये पहले आ जाएगी, क्योंकि ई रेस टू पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, तो यहाँ पे वन हो गया माइनस ई रेस टू पावर माइनस के टी बाय एम, यह आया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, तो आपका ये एक्सप्रेशन भी आ गया कि किसी भी टाइम टी पर इसकी पोजिशन टाइम टी के साथ कैसे वेरी करी है, इस तरीके से। नाउ वी हैव टू वी कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज वी हैव टू फाइंड द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी बिकम्स वी नॉट बाय टू। अब आपने यहाँ पे देखा था आपको किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाती है, तो आप इस इक्वेशन का यूज करके अगर आप यहाँ पे वी की वैल्यू वी नॉट बाय टू डाल देंगे तो आपको ये वाला टाइम पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वी नॉट बाय टू हो गया, वी नॉट की वैल्यू आपको गिवन है, के कॉन्स्टेंट है ये हमको पता है, एम की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो आपको यहाँ पर क्या अननोन है, सिर्फ टाइम टी, तो आप टाइम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप सिंपली ये वाली इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डाल दीजिए वी नॉट बाय टू, तो आपका आ गया, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो इस इक्वेशन का आपका क्या बना, आपका बना लॉग वन बाय टू
दिस इज इक्वल्स टू माइनस, यहां पर क्या था के टी बाय एम, के टी बाय एम, तो इससे आपके टाइम टी की वैल्यू आ गई इज इक्वल्स टू एम और के को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो एम बाय के और माइनस एक यहां पर है तो यहां पर अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर माइनस आएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस लॉग वन बाय टू कितना होता है, लॉग टू, अंदर वाली टर्म चेंज हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, लॉग टू। तो ये आपका आंसर आ गया टाइम टी। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि इनिशियली एक पार्टिकल हमारा रेस्ट पे था यानी ए पॉइंट पे था, फिर ये 10 सेकंड्स में बी पॉइंट तक पहुंचा, किसी एक्सेलरेशन से मूव करता है और बी पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है और बी के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है सी पॉइंट तक, ठीक है। एंड आफ्टर सी ये इसके ऊपर रिटार्डेशन होता है और फाइनली ये x इज इक्वल टू 64 मीटर के बाद, यानी c से d के बीच में जो डिस्टेंस है वो 64 मीटर है, इसके बाद ये फाइनली रेस्ट पे आ जाता है। सो एक तो हमको पूरी जर्नी का a टू d का पूरा डिस्टेंस दे रखा है 584 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन जो कि a और b पार्ट में, और a से b पार्ट में हो रहा था, एंड द रिटार्डेशन जो कि c टू d में हो रहा था, एंड द टोटल टाइम टेकन। तो हम इसको सिक्वेंशली करते हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं ए से बी का जो पाथ था उसमें क्या हो रहा है। तो ए से बी में आपने देखा क्या हो रहा है कि वेलोसिटी हमको पता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम टी पता है और हमको इसके अंदर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ओके। इससे आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी, आपको वी की वैल्यू पता है, यू की वैल्यू पता है, आपकी एक्सेलरेशन आ गई 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि आपको टोटल डिस्टेंस दे रखा है और अगर हम बी टू सी देखें, यहीं से देखें ये निकालने के बाद, तो क्या है, हमको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, बट हमको क्या फाइंड आउट करना था, टोटल टाइम फाइंड आउट करना था, बट हमको एक और चीज़ चाहिए ताकि हम टोटल टाइम फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो हमको डिस्टेंस गिवन है और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज गिवन है, तो हमको एक्सेल रिटार्डेशन की वैल्यू मिल जाएगी सी टू डी में, बट प्रॉब्लम हमारी कहां पर है, इसमें। इस प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन, एक हिंट हमको दे रखी है जो कि है टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड है वो 584 मीटर है। अब इससे क्या पता चलता है, क्योंकि हमको इस चीज का भी यूज करना है, तो टोटल डिस्टेंस अगर 584 मीटर गिवन है और यहां पे हमको पता है 64 मीटर चल रही है, तो अगर हम ए टू बी का डिस्टेंस पता कर लें तो हमको बी से सी के बीच का डिस्टेंस होगा वो पता चल जाएगा, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन ऑल इज दिस केसेस, ओके। क्योंकि यहाँ पर इनिशियल जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन के साइड है, यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर आप सी टू डी देखें तो यहाँ पर आपको लगेगा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक और चीज़ आपको बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तब इक्वल हो सकते हैं अगर यू और वी, यू और ए का जो पोर्शन है ये सेम डायरेक्शन में ना हो, यानी एक्सेलरेशन अगर रिटार्डेशन हो रही है और u इस डायरेक्शन में लग रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल हो सकते हैं, जब पार्टिकल जो है जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, यानी इस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी अगर जीरो हो गई और ये यहीं तक हमको एनालाइज करना है, तो उस केस के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल ले सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था अगर ये टावर के ऊपर एक रखा हुआ पार्टिकल है, ठीक है, इस ये ऊपर वेलोसिटी से जाता है u से, इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगती है ड्यू टू ग्रेविटी और ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता है, तो अगर मैं यहाँ तक का सिर्फ इतना पाथ एनालाइज करूँ तो इस पाथ के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होंगे। वो क्यों होंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तब इक्वल नहीं होते जब v इज इक्वल टू जीरो हो जाता है एक मोमेंट पे और उसके बाद भी मोशन कंटिन्यू रहता है। तो उससे क्या होगा, अगर हम इस पॉइंट तक देखें तो क्या हुआ कि यहां पर v इज इक्वल टू जीरो था बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इतना, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, ये टोटल, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट तक देखता तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल था, ठीक है। तो c टू d के लिए हम सिंपली बाकी सारे फॉर्मूले आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला मैं लगाता हूं क्योंकि v पता है हमको, u पता है, s पता है, तो हमारी रिटार्डेशन की वैल्यू आ जाएगी। रिटार्डेशन की वैल्यू अगर आप यहां पर देखें तो अपने आप ही नेगेटिव आएगी। वो कैसे आएगी,
आपको पता है वी जीरो है, ठीक है, यू की वैल्यू 8 है, तो आपका फॉर्मूले के अंदर आया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल्स टू ए। यहां पर आप v की वैल्यू 0 डालेंगे, 0 स्क्वायर माइनस u की वैल्यू 8 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 64 इज इक्वल्स टू ए। तो एक्सेलरेशन आपने देखी, क्योंकि u तो 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने आप ही नेगेटिव आ गई, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हमको डायरेक्टली कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, हमको कुछ देखना नहीं पड़ता, आप सिंपली फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज डालेंगे तो आपका आंसर अपने आप ही नेगेटिव आ जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आगे काफी काम आएगी, कि अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता कि एक्सेलरेशन की कहां पे लग रही है और कहां पे नेगेटिव साइन यूज करना है या कहां पे पॉजिटिव साइन, आप कुछ मत करिए, आपको जो जो वैल्यूज गिवन है आप वो वैसे की वैसे रख दीजिए, जो आपकी वैल्यू आएगी वो अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगी या अपने आप ही पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि हमने यहां पर आप बस एक डायरेक्शन डिफाइन कर दीजिए कि इस डायरेक्शन के अंदर जो भी सारी वैल्यूज है वो पॉजिटिव है। अब अगर ए टू बी जा रहा है तो एस डिस्टेंस पॉजिटिव है, क्योंकि ए से बी में जा रहा है, फिर बी से सी में जा रहा है, अब सी से डी में जा रहा है, लेकिन अगर डी से ये वापस इधर आता ई पॉइंट तक आता तो इसके लिए एस जो है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखें, कोई भी चीज हमेशा इस डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव हो वही डालें, पॉजिटिव वैल्यूज डालेंगे तो आपकी एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन की वैल्यू अपने आप ही आ गई। अब जो मैं आपको बता रहा था बी टू सी का, अब इससे क्या हुआ, ए टू बी के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था टोटल डिस्टेंस का यूज करना 584 मीटर, यहां पर 64 दे रखा है, तो ए टू बी के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, वो कितना है, ये वाला फॉर्मूला लगाकर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू जीरो प्लस हाफ इंटू 0.8 इंटू 10 स्क्वायर, 10 टोटल टाइम है, इससे आपको पता चल गया 40 मीटर। तो जो बाकी बची हुई डिस्टेंस है यानी 584 माइनस 40 माइनस 64 यानी 480 मीटर बची है आपकी, तो 480 मीटर इसके बीच में हो रही होगी। तो अब हमको इसके बीच में, क्योंकि टोटल टाइम फाइंड आउट करना था, तो C टू D का आपका टाइम आ जाएगा आराम से, ठीक है, A टू B का टाइम आपको पता है, अब B टू C का टाइम फाइंड आउट करना है तो आप कैसे निकालेंगे, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस पार्ट में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो S इज इक्वल्स टू यू टी आ गया कब सिंपली, तो U कितना है आपका 8 है, ओके, और S की वैल्यू 480 आपने निकाली थी, तो टाइम पता चल गया आपको 60 सेकेंड लग रहा है B टू C में। और अब C टू D का टाइम T इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A, इससे आपको पता चल गया, आप यहां पर v की वैल्यू 0 डालेंगे, u की वैल्यू 8 एंड एक्सेलरेशन इज माइनस 0.5, आप साइन के साथ डालेंगे, ठीक है, तो आपका टाइम t आपने देखा 16 सेकेंड आ गया, तो आपको टोटल टाइम पता चल गया 10 प्लस 60 प्लस 16। ये क्वेश्चन तो आपका खत्म हो गया, लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो आपका ये वाला फॉर्मूला था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके अंदर एक और फॉर्मूला बन सकता है, जैसे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है, इसके अंदर आप u की वैल्यू डाल देते हैं v माइनस ए टी, ठीक है, मतलब ये वाली टर्म आप इधर शिफ्ट कर गए तो u की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब u की वैल्यू, ये वाली वैल्यू अगर आप इस फॉर्मूले में डालें तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v माइनस ए टी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको आप खोलेंगे तो क्या बनेगा, vt माइनस यहां पर माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या बनेगा, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया s इज इक्वल्स टू vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप देखें, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन ना हो और आपको फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन हो और एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन हो, तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला डाल सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव्स। आप अगर, क्योंकि कई कई क्वेश्चंस इतने घुमा फिरा कर दिए होते हैं कि आपको यू नहीं निकाल पाए, तो आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करके डाल सकते हैं, या आपके ऑब्जेक्टिव्स में काफी काम आएगा।